सो हेलो एवरीवन, विपिन दिस साइड। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टॉक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस स्टॉक को आज मैं आपके सामने लाया हूँ उस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है और वो इस स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका टारगेट भी बहुत ही बढ़िया मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा है एजुकेशन पर्पस। इस वीडियो को बनाने का कोई मेरा पर्पस नहीं कि आप बाय सेल करो, ऐसे मेरा कोई एडवाइज नहीं है, ठीक ना। दोस्तों, आप जो भी करते हो आप अपने रिस्क के ऊपर करना। इस वीडियो को मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आज जो हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी को मैं थोड़ा देख लेता हूँ आपके सामने, और उसके बाद मैं चलता हूँ उन 5 स्टॉक के ऊपर कि आज मार्केट में हुआ था क्या। दोस्तों, आज जो है मार्केट इतना गंदा बिहेवियर दिखाया है बैंक निफ्टी खासकर, और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी और आपका एक मिड कैप भी वैसा ही चला है, सेम चला है, ठीक ना। तीनों में आज देखने के लिए मिला इतना साइडवेज 50% का मूवमेंट आज देखने को मिला। जैसा कि आप मेरा स्क्रीन पे देख पा रहे हो यार, कितने परसेंट का मूवमेंट किया है, मात्र 50% के। यार ये कौन सा मार्केट का चाल था, कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। ट्रेडिंग सेशन आज लास्ट था इस वीक का, और शायद महीने का भी था, महीने का लास्ट। देखो कितना पोजीशन का 182 में जो है मार्केट ट्रेड कर रहा था, ये लास्ट में जो है 3:30 बजे के करीब जो है मार्केट इस लेवल को टच किया है। लेकिन इससे पहले देखो कितने में मूवमेंट कर रहा था, ये 129 पॉइंट, वो भी कब, जब टाइम हो रहा था 11:40 11:45 में जो है मार्केट यहाँ पे आया है। लेकिन उससे पहले जो है कम से कम 50 पॉइंट, देखो 60-70 पॉइंट के बीच में मूवमेंट कर रहा था। इसमें क्या लगता है आपको, प्रॉफिट होगा? दोस्तों, ऐसा तो मार्केट का बिहेवियर है, लेकिन देखते हैं मंडे सेशन में क्या होने वाला है, आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले 2 दिन जो बीता वो बहुत ही बढ़िया था, मार्केट कहीं ना कहीं अच्छा खासा जो है ट्रेंड बना रहा था। देख सकते हो यहाँ पे अप डाउन अच्छा था, तो ऐसे मार्केट में जो है ट्रेड करने में मज़ा आता है। लेकिन ये जो साइडवेज मार्केट था चला है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देख सकते हो आप, कुछ करने का जगह ही नहीं बनता है। चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मंडे को देखते हैं क्या होगा आगे। चलो अब जो है 5 स्टॉक मैं उसके ऊपर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो कौन सी स्टॉक है। तो सबसे पहला स्टॉक मेरा है टीवीएस मोटर, ठीक ना। टीवीएस मोटर जो है अभी देखो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है। अभी इसमें तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसे 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर भी करता हूँ तो शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे को बहुत कुछ इसमें समझ आ रही है, ठीक ना। अब मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे करता हूँ। अब देखो, अब शायद क्लियर आपको दिख रहा होगा कि क्या होने वाला है मंडे को इसमें। देखो, एक मैं यहाँ से जो है पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले तो 52 वीक हाई को जो है ब्रेक कर दिया है, पहला परफॉर्मेंस। दूसरा 9 EMA और 30 EMA को क्रॉसओवर मिला है, ठीक ना, ये दूसरा कॉन्फर्मेशन है। तीसरा कॉन्फर्मेशन है कि यहाँ पे जो है एक बुलिश कैंडल एकदम बना है 1 आवर पे, और दूसरा जो छोटा है और इसका जो है ब्रेकआउट मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है अप साइड में जाएगा। ये मेरा तीसरा कॉन्फर्मेशन है। तो इसको टीवीएस मोटर को जो है रडार पे रखिएगा मंडे को लिए, ठीक ना। अब देख लीजिएगा कि ये कैसा बिहेवियर करता है। देखो, पिछले वीक मैंने जो एनालिसिस किया था, टॉप 10 स्टॉक मैंने एनालिसिस किया था, 52 वीक हाई को मैंने जो है मैंने स्टॉक को चूज किया था, और उसमें से 10 में से 7 जो है मेरे स्टॉक टारगेट दिया था, ठीक ना। जब मैं देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा इतने अच्छे मतलब एनालिसिस निकला, जो मैं बोला वही मार्केट में हुआ। और बहुत से ऐसे स्टॉक थे कि मैंने जो टारगेट दिया था वो कम का दिया था, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा मेरे को टारगेट मिला। तो कहीं ना कहीं यार ये जो एनालिसिस को देखो कैसे मैं करता हूँ, और उसके बाद चलता हूँ अगला सिप्ला पे। देखो, सिप्ला का 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसे हम 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं करता हूँ तो कुछ समझ आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो 52 वीक हाई को जो है ब्रेक कर दिया है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो है मार्केट टाइम पास कर रहा था, ठीक ना, इस लेवल पे देखो बहुत बार जो है टाइम पास किया, और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसे मिला है। अब ब्रेकआउट मिला है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है अच्छा खासा देगा। देखो, जाने के लिए मेरे को तो लगता है कि टारगेट जो मिलेगा कम से कम 1720 रुपये का तो जरूर टारगेट मिलेगा, 1700 का जरूर टारगेट मिलेगा। तो इस स्टॉक को जो है सिप्ला को जो है आप
रडार पे रखिएगा। उसके बाद बजाज पे चलते हैं। बजाज भाई क्या कर रहा है, इस पे चलते हैं। देखो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो पहला जो लेवल है इसको ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक ना। इस लेवल को इसको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये 52 वीक हाई देखो नहीं बना रहा है, लेकिन मैं इसको क्यों लाया हूँ इस स्टॉक को, देखो इसको लाने का मेरा मेरा पहला रीजन है। देखो क्या है, अगर मैं देखूँ तो ये एक बहुत बढ़िया सा लेवल है, शायद आपको दिख रहा होगा वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। ये एक बढ़िया सा लेवल है। दूसरी लेवल देखो यहाँ पे ब्रेक किया है मार्केट, देखो ठीक ना। इस लेवल को भी देखो मार्केट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश कैंडल है। और अगला जो बुलिश बहुत ही बढ़िया है एकदम, इसमें देखो वीक बना ही नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे है ही नहीं, एकदम पूरी बॉडी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 52 वीक हाई को टच करने वाला है इस लेवल को, ठीक ना। यानी कि 7,458, यानी कि 60 रखो एक, ठीक ना, इसका देने वाला है टारगेट। तो इसका जो है इस पे आपको ध्यान देना है, बजाज पे आपको। उसके बाद इंडस टावर पे देखते हैं। इंडस टावर में क्या है, ये भी देखो अपना 52 वीक हाई को जो है ब्रेक कर दिया है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो 52 वीक हाई को जो है ब्रेक कर दिया है। दूसरा कॉन्फर्मेशन यहाँ पे 9 EMA और 30 EMA को जो है, आपको 30 EMA के देखो सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया यहाँ पे जो है ब्रेकआउट मिला है। दूसरी चीज़ें ये 9 EMA 30 EMA जो है क्रॉस ओवर भी दे रहा है, ठीक ना, सपोर्ट लेते हुए मार्केट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो है अप ट्रेंड का साइन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना। तो इस जो है इसका इंडस टावर को जो है आप रडार पे रखिएगा। दूसरा चलते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में क्या होने वाला है, देखो ये भी जो है 52 वीक हाई को जो है ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हो 52 वीक हाई को जो है ब्रेक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है 1640 1680 का एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे उतनी अच्छी कैंडल नहीं बना है, इस कारण से मैं ज़्यादा का इसका टारगेट नहीं। लेकिन हाँ ये एक मार्केट बुलिश दिखाई मेरे को दे रहा है, ठीक ना, कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। 1640 1680 का ये टारगेट देगा। दोस्तों ये टोटल 5 स्टॉक मैंने एनालिसिस किया, ठीक ना, ये मंडे के लिए। अब इसमें आपको जो पसंद आता है उस स्टॉक को आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप कॉमेंट करके बताइएगा। और हाँ चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। #कुछ बड़ा करते हैं।